and to all the students of class 5, students of class 5, welcome to your SST class. So students, today in this class, we are continuing to our chapter on 12 transport. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में. आज की क्लास में कौन सा ट्रांसपोर्ट? एयर ट्रांसपोर्ट. लाइक इन द प्रीवियस क्लासेस वी ऑल आर स्टडीड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोडवे, वाटरवे. The credit of invention of aeroplanes goes to Wright brothers of America. America के Wright brothers को invention of aeroplane का credit जाता है, क्योंकि aeroplanes अनुभवित हैं जो हवाओं में उड़ रहे हैं. कोई transport system, किसी ने कभी imagine नहीं किया होगा कि कोई transport system हवा में उड़ेगा, but ये Wright brothers ने कर दिखाया. And the credit of invention of aeroplanes goes to Wright brothers of अमेरिका के ये दोनों भाई थे और उनके ही ये इन्वेंशन का क्रेडिट जाता है. विल्बर राइट एंड पॉल वाइल्ड राइट इन्वेंटेड अ इंजन, पेट्रोल इंजन एंड न्यू हुआ हाइट ऑफ सिलेंडर. विल्बर राइट, ये जो राइट ब्रदर्स भाई हैं, इनका पूरा नाम है, एक का नाम है विल्बर राइट एंड पॉल वाइल्ड राइट इन्वेंटेड अ पेट्रोल इंजन एंड न्यू हुआ हाइट ऑफ सिलेंडर. इन्होंने एक पेट्रोल इंजन का इन्वेंशन किया और 3 मीटर की हाइट तक ऊंचा इसकी क्षमता रखी कि वो 3 मीटर हाइट तक ऊपर जा सके. बट इट केम डाउन आफ्टर गोइंग अ डिस्टेंस ऑफ 37 मीटर इन 12 सेकेंड. बट 12 सेकेंड के अंदर, 12 सेकेंड के अंदर इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? 37 मीटर की ऊंचाई तक हो गया और उसके बाद वो नीचे आया. राइट ब्रदर्स प्लेन वाज कॉल्ड फ्लाईओवर. राइट ब्रदर्स ने जो पहला प्लेन इन्वेंट किया, जो पहला प्लेन का इन्वेंशन किया, उसका नाम रखा फ्लाईओवर. एयरप्लेन इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. हमने बहुत सारे ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है कि जैसे कि रोडवे होता है, वाटरवे होता है, तो उनके वो क्या होता है, कोई चीप होता है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. बट एयरवे इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट, एयरवे बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. मतलब कि विद इन हाफ एन आवर, 1 आवर आपको ये बहुत जल्दी बहुत दूसरी कंट्री में पहुंचा सकता है. दूसरी कंट्री से आपको ये कनेक्ट कर देता है, आपको पहुंचा देता है विद इन एन आवर. सो ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए वेयर अर्लीस्ट कंट्रीज टू ऑपरेट एयरलाइन. सबसे पहले कंट्री ब्रिटेन, फ्रांस एंड यूएसए बने जिन्होंने एयरलाइंस को ऑपरेट किया अपनी कंट्री में. बट नाउ टूडे ऑलमोस्ट ऑल ओवर द कंट्रीज कनेक्टेड टू अर एयरवे. बट नाउ अभी हम लोगों को देखने को मिलता है कि जितने भी कंट्रीज है सब एयरवे और वाटरवे से कनेक्टेड है. बट जिस कंट्रीज हम लोग एयरवे और वाटरवे से कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा. एयरलाइंस फ्लाई एट ए स्पीड ऑफ इवन 800 to 1000 किलोमीटर पर आवर. एयरलाइंस की ये स्पीड होती है कि वो 800 to 1000 किलोमीटर पर आवर स्पीड खोल सके. सम बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर इन लंदन. लंदन आर इन मिल्स की सम बिग इंटरनेशनल, तो बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा रुझाव, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा फेमस इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है वो एक लंदन में है, पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, इटी से और भी बहुत सारे कंट्रीज है जो आपके बुक में है, आप उसको रीड करेंगे. लंदन हैथ्रो एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरपोर्ट. लंदन का जो हैथ्रो एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड्स बिगेस्ट, पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट रहने वाला लंदन का हैथ्रो एयरपोर्ट जाना जाता है. Our country has 2 major airlines. हमारे कंट्री में 2 major एयरलाइंस है जो रन होता है गवर्नमेंट के द्वारा. एक है एयर इंडिया, एक है एयर इंडिया इंडिया इंटरनेशनल एयरलाइंस. ये जो एयर इंडिया है ये एक इंटरनेशनल एयरलाइन है जो कंट्री टू कंट्री कनेक्ट करता है. मीन्स फिर से देखिए, एयर इंडिया है जो इंडिया इंटरनेशनल एयरलाइन है जो कंट्री टू कंट्री पैसेंजर को, कार्गो को कंट्री टू कंट्री अनदर कंट्री पहुंचाता है. और एक और है इंडिया, दो एयरलाइंस चलाता है जो कि गवर्नमेंट चलाते हैं. एक इंटरनेशनल हो गया, एक है इंडियन एयरलाइंस कैरी पैसेंजर एंड
एक इंटरनेशनल हो गए और एक इंडियन एयरलाइंस हो गए, जो कि विभिन्न कंट्री कंट्री के अंदर ही आपको सिटी टू सिटी या स्टेट टू स्टेट और विदिन एन आवर में आपको पहुंचा देता है और ये नेबरिंग कंट्री में भी कनेक्ट होता है। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एरोप्लेन बनाने का जो क्रेडिट है वो राइट ब्रदर्स को दिया हुआ है। इन्होंने एरोप्लेन की इन्वेंशन की है और आज दुनिया के तमाम कंट्रीज से कंट्रीज एरोप्लेन के थ्रू कनेक्टेड है और एयरलाइंस के थ्रू कनेक्टेड है। इंडिया में दो एयरलाइंस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन होती है, एक इंटरनेशनल है और एक डोमेस्टिक है, जो कि एक इंटरनेशनल है जो कि कंट्री टू कंट्री चलती है और एक डोमेस्टिक है जो कि स्टेट टू स्टेट मेजर सिटी और नेबरिंग कंट्री में भी कनेक्ट करती है। तो आज ये आपका चैप्टर एक ऑफ फिनिस्ट और आपका होमवर्क है आज कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपको कंप्लीट करना है। ओके, आज आपका इस चैप्टर होगा फिनिश्ड और आपको ये कंप्लीट करना है।